अच्छा जी दोस्तों, लास्ट हमने लॉगिन साइनअप की जो एपीआई थी वो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने JWT का भी इस्तेमाल कर लिया था और जिसमें हमने बिक्रिप्ट हैश का भी इस्तेमाल कर लिया था और एक प्रॉपर रेस्ट एपीआई हमने तैयार कर ली थी जो लॉगिन और साइनअप के लिए। ठीक है जी, हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं हमारे सर्वर पर इस वक्त क्या कुछ मौजूद है। ये हमारा स्टार्ट है सर्वर का, इसके अंदर एक्सप्रेस की लाइब्रेरी लगी हुई है, पाथ को हमने इस्तेमाल किया है जिसमें से DIR नेम हमने निकाला है। अच्छा, JWT की लाइब्रेरी इसमें लगी हुई है, .env का इसमें हमने इस्तेमाल कर लिया है जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था .env क्या क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा ये ऑथ राउटर एक बना हुआ है हमारे पास, एक बना हुआ है पोस्ट राउटर। ठीक है जी, और उसके अलावा कुकी पार्सर को भी हमने, इसको ज़रा मैं अलग कर देता हूँ टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ को मतलब एक तरफ किया हुआ है पूरा और जो मेरी ख़ुद की फाइल्स हैं उसको मैंने एक तरफ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुकी पार्सर को ऊपर कर दिया। ठीक है, कुकी पार्सर हमने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि हम कुकीज़ में भी अब डेटा लेना और देना कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा की कम्युनिकेशन करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं कुकीज़ में भी कर रहे हैं। तो कुकीज़ को पार्स करने के लिए लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट की हुई है यहाँ पर, और जिस तरह बॉडी को पार्स करते हैं उसी तरह कुकीज़ को भी मैं पार्स करूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद मेरे पास ये अनप्रोटेक्टेड राउट्स हैं, उसके बाद मेरे पास ये एक बैरियर लगा हुआ है app.use और उसके बाद मेरे पास प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। ठीक है जी, बैरियर में हमने क्या कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, हमने JWT.verify यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम टोकन देते हैं जो यूज़र के पास से मुझे मिला है कुकीज़ में, और हमारे पास जो सीक्रेट मौजूद है सर्वर पे उसको वो हम देते हैं। तो ये मुझे क्या करता है, एक पेलोड डिकोड करके दे देता है, जो मैंने टोकन में रखवा के भेजा था पेलोड वही पेलोड मुझे वापस दे देता है। लेकिन ये पेलोड मुझे सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब ये टोकन वैलिड होगा और एक्सपायर नहीं होगा। अगर ये टोकन इनवैलिड हुआ या ये टोकन एक्सपायर हो चुका हुआ तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सीधा कैच के ब्लॉक में जाके गिरेगा। ठीक है, ये टोकन जहाँ पे हम बना रहे थे वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह बनाया था। वो हमने साइनअप लॉगिन के वक्त बनाया था। ऑथ राउटर में हम चले जाते हैं, हमारे पास साइनअप की API है, साइनअप की API में हमने वैलिडेशन लगाई है कि जी सारे पैरामीटर बंदा लेकर आया है कि नहीं आया। ठीक है, ईमेल को लोअर केस बना लिया है, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इसमें कहीं पहले से यूज़र मौजूद तो नहीं है इस ईमेल के साथ। उसके बाद क्या करता हूँ, इस नाम से एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी साइनअप की API कम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद मेरी लॉगिन की API में बंदा ईमेल और पासवर्ड लेकर आता है, ईमेल और पासवर्ड को मैं ईमेल को लोअर केस कर देता हूँ मज़ीद ऑपरेशन के लिए। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इस ईमेल से कोई यूज़र अगर मौजूद है तो उसको मैं उठा के लाता हूँ, और उठा के लाने के बाद क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ वेरीफाई हैश, जो बिक्रिप्ट का एक फंक्शन है वो कॉल करता हूँ जिसमें मैं एक्चुअल पासवर्ड देता हूँ और जो यूज़र जो मैं डेटाबेस से लाया हूँ उसका पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, यूज़र जो डेटाबेस में मौजूद है मेरे पास उसमें एक्चुअल पासवर्ड नहीं है, उसमें बिक्रिप्ट का हैश है। तो ये मुझे चेक करके बता देता है कि ये हैश और ये पासवर्ड एक ही है या अलग अलग है। ठीक है, इस मैच में या तो मुझे ट्रू मिलता है या तो फॉल्स मिलता है। इस मैच में अगर ट्रू मिलता है इसका मतलब है कि पासवर्ड मैच हो गया है। इस सूरत में मैं JWT.sign करता हूँ, इस तरह एक टोकन तैयार करता हूँ, और टोकन तैयार करते वक्त मैं इसको क्या बोलता हूँ, कुछ पेलोड देता हूँ इसको मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, जो कि पेलोड मुझे एज इट इज़ मिलेगा जब भी मैं इसको गेट करूँगा इस टोकन के पेलोड को। अच्छा, उसके अलावा मैं एक सेकंड पैरामीटर में सीक्रेट देता हूँ जो कि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करवाया हुआ है, और तीसरे नंबर पे मैं इसको ऑप्शंस पास करता हूँ जिसके अंदर मैंने एक्सपायर इन 24 आवर लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब मैं JWT.verify करूँगा जब तो अगर ये 24 आवर पुराना टोकन होगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे नहीं करेगा वेरीफाई वो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये टोकन बन के मेरा तैयार होता है, इसको मैं response.cookie के अंदर रख के भेजता हूँ। response.cookie में रख के भेजते हुए HTTP only true करता हूँ मैं। ठीक है, ये true करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो जहाँ पे ये टोकन सेव होगा जाके वो सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज भी सिक्योर नहीं है, कुकी भी सिक्योर नहीं है, और सेशन स्टोरेज भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, जो सिक्योर है वो ये HTTP only cookies जो है ये सिक्योर है सिर्फ। अच्छा, इसमें सिक्योर ट्रू भी मैंने लगा के भेज दिया, और एक्सपायर्स में अभी से 2 मिनट बाद की मैंने डेट लगाई है। अच्छा, ये 2 मिनट बाद की जो डेट है, ये जो मैं कुकी के साथ जो एक्सपायर दे रहा हूँ ना, ये टोकन की एक्सपायरी नहीं है बल्कि मेरे कुकी की एक्सपायरी है। जब कुकी सेव होगी तो इतनी देर बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो वैनिश हो जाएगी मेरे ब्राउज़र के अंदर। जब ये 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट के बाद का टाइम मैंने एक्सपायर्स में दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, जैसे ही 2 मिनट गुजरेंगे तो ब्राउज़र से वो कुकी गायब हो जाएगी मेरे। नतीजा ये होगा कि जब अगली रिक्वेस्ट बंदा करेगा तो
कुकी मौजूद नहीं होगी ब्राउजर में तो सर्वर पे कुछ आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली बंदा लॉग आउट हो जाएगा. बट दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है. सिक्योरिटी फीचर के लिए मुझे यहाँ पे एक्सपायरी देनी पड़ेगी, मेरे टोकन के अंदर ये चीज़ मुझे हैंडल करनी पड़ेगी. ठीक है जी. तो यहाँ तक का कोड हमने लास्ट लिख लिया था. अब हमने काम ये करना है कि हमने फ्रंट एंड से ये वाली रिक्वेस्ट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब फ्रंट एंड से हमने ये रिक्वेस्ट सिर्फ लॉगिन का फॉर्म हम ज़रा बना लेते हैं फ्रंट एंड पे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मूव कर देंगे रिएक्ट के ऊपर. ठीक है. फिर हम हेलो वर्ल्ड रिएक्ट करेंगे, फिर ये सारा काम हम ज़रा, असल में रिएक्ट हमें शुरू करने के लिए ना पहले दो या तीन क्लासेस जो रिएक्ट की बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है. तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम रिएक्ट की बेसिक्स जब पढ़ रहे होंगे ना तो ये ज़रा ये सर्वर वगैरह फिर थोड़ा पुराना हो जाएगा फिर जितनी देर में. तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्वर अभी हमने ताज़ा ताज़ा बनाया है लॉगिन और साइनअप का, तो इसका एक HTML का सिंपल सा पेज बना के ना इसकी ज़रा API हिट करें और हमारे पास जो कुकी आके सेव होती है वो ज़रा हम उसको एक्सपीरियंस करके देखें कि क्या वो वाकई कुकी सेव हो रही है कि नहीं हो रही. तो हम आ जाते हैं अपने HTML के पेज पे और सर्वर को भी बल्कि हम रन कर लेते हैं. मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इस फोल्डर में हूँ 8.jwt में, और यहाँ पर आके मैं npm रन डेव लिख दूंगा. ठीक है जी. npm रन डेव लिखते ही क्या होगा कि मेरा सर्वर चल पड़ा है, और मेरा सर्वर चलने की वजह से क्या होगा कि ये फाइल भी चल पड़ेगी साथ साथ, क्योंकि ये फाइल मेरे सर्वर में ही मौजूद है. तो मैं जब यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 3000, तो ये मुझे मिलना तो चाहिए था, क्यों नहीं मिला? नहीं, 3000 पे ही चल रहा है, ये 3000 पे ही चल रहा है. अच्छा, ये मेरे समझ आ गया कि क्यों नहीं मिला. आ जाओ देख लेते हैं क्या चक्कर है. server.mjs. अच्छा, ये चक्कर ये हुआ है कि मेरे सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट आई है ना, तो टॉप से बॉटम की तरफ जब ये रिक्वेस्ट गई है तो यहाँ पे ऑथ राउट पे ये हिट तो नहीं हुई है ज़ाहिर है, क्योंकि स्लैश की रिक्वेस्ट थी. और जब यहाँ हिट नहीं हुई तो उसके बाद ये बैरियर मेरे पास मौजूद है. अब बैरियर के अंदर मैं चेक करता हूँ टोकन, और टोकन तो मौजूद ही नहीं है पहली दफ़ा. तो ये हो रहा है कि यहाँ से ये रिक्वेस्ट क्या हो जा रही है, वापस आ जा रही है, ये उसको नीचे तक जाने नहीं दे रहा है. ठीक है. तो मैं ये करूँगा कि मैं स्टेटिक वाली लाइन जो है ना, फिलहाल के लिए ये दो लाइन्स जो है मेरी कट करके इसको मैं पहले लेकर आ जाऊँगा. ठीक है. ठीक है, लॉगिन के बाद इसको मैं रख दूँगा, क्योंकि ये वाली जो राउट्स हैं मेरी क्या हैं, अनप्रोटेक्टेड राउट्स हैं. ठीक है. तो ये दोनों मैं पहले लेकर आ गया ताकि टोकन से पहले एटलीस्ट मुझे ये मिल जाए. अच्छा, इसको रखते हैं हम आखिर में ही हैं, लेकिन हम ज़रा अभी बाद में देखेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, वो ज़रा थोड़ी दूसरी कहानी चल जाएगी. वरना इसको मैं फ़िलहाल ऊपर किया है, लेकिन रखेंगे इसको हम नीचे ही रखेंगे एक्चुअली. ठीक है. तो मेरे पास ये HTML की फ़ाइल लोड हो गई है. HTML की फ़ाइल कौन से लाइन से लोड हुई है? इन दोनों लाइनों की वजह से ये लोड हुई है. ठीक है, स्टैटिक. अच्छा, मेरे पास तो वैसे एक ही फोल्डर है पब्लिक का, स्टैटिक के अंदर कुछ है नहीं. स्टैटिक मैंने समझाने के लिए बनाया था जब मैं फाइल डाउनलोड सिखा रहा था. ठीक है. तो अगर मैं एक को ये पब्लिक वाले को सिर्फ रखूँ ना, अगर दूसरे को मैं हटा भी दूँ, तो मेरा HTML की फ़ाइल मेरी लोड होती रहेगी. सही है. लेकिन मैं स्टिल वापस स्टैटिक वाले को भी रख लेता हूँ, इसको मैं हटा नहीं रहा. अच्छा, इंस्पेक्शन भी मैं साथ साथ खोल के रखूँगा यहाँ पे. और अब मैंने काम क्या करना है, अब मैंने काम ये करना है कि जो है ना, अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मेरी लोड नहीं हो पा रही है इसमें. मैं ज़रा नेटवर्क में जाके देखता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ इसको अगेन. तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड नहीं हो पा रही है. क्यों नहीं हो पा रही है? जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट लगी है ये वाली, localhost3000/app.mjs. तो इसको हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? जावास्क्रिप्ट की तो अलग से फाइल है ही नहीं इसमें, लेकिन app.mjs अलग से तो नहीं है इसके अंदर कोई, है ना? वो तो यही लिखा हुआ है सारा जावास्क्रिप्ट. तो ये मैंने लाइन लिखी क्यों थी? बनाई थी मैंने. अच्छा, हाँ, अच्छा, कुछ समझाने के लिए मैंने बनाई होगी. चलो इसको लिंक को हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए. ठीक है भाई, लिंक हटा दिया मैंने वो वाला. और अब मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है इस वक्त, क्रिएट पोस्ट और गेट ऑल पोस्ट. लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने अब एक दूसरा एक वो बनाना है, है ना? इंडेक्स का जो पेज है मेरा, वो तो मेरा पेज जो है होम पेज है, लेकिन जब मेरा यूज़र पहली दफ़ा आता है
जब मेरा यूज़र क्या होता है पहली दफ़ा आता है तो पहली दफ़ा मैं वो ज़ाहिर है लॉगिन नहीं है मेरा यूज़र, तो उसको मुझे रिडायरेक्ट कराना है समहाउ लॉगिन के पेज पे। तो ये गेट ऑल पोस्ट का फंक्शन जब चलता है ना तो क्या होता है कि ये एक API हिट करता है, आके हम यहाँ देखते हैं इसको, ये API हिट करेगा एक, ठीक है, स्लैश पोस्ट की API हिट करता है ये, जिसका रिस्पॉन्स क्या आता है 401। ये रिस्पॉन्स इस वजह से आता है कि मेरे सर्वर में मैं जाता हूँ, ठीक है, ऑथर आउट स्लैश पोस्ट इधर हिट नहीं होगा, इधर भी हिट नहीं होगा, बैरियर पे आके वो रुक जाएगा और पोस्ट की जो API है वो बैरियर के नीचे है तो वो बैरियर से वापस चला जा रहा है, ठीक है, 401 का स्टेटस ले गया ना, क्योंकि टोकन तो है ही नहीं अभी भी, तो वो वापस चला जा रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उस एरर को ना फ्रंट एंड पे क्या करना है, ये जो 401 की API फेल हो रही है ना ये वाली, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ के मैंने अपने यूज़र को रिडायरेक्ट करवा देना है, ठीक है। अच्छा, ये काम हम रिएक्ट में बड़े आसान तरीके से और बड़े बेहतर तरीके से हम करते हैं, लेकिन होता एक्चुअल में सारा जावास्क्रिप्ट ही है, इंटरनली जो चल रहा होता है वो सब जावास्क्रिप्ट ही होता है, ठीक है। तो ये हम प्लेन जावास्क्रिप्ट में ज़रा ये काम करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अदद लॉगिन का यहाँ पे एक पेज बना लेंगे, login.html, ठीक है, login.html बना दिया मैंने, और इसके ऊपर मैं एक h1 लगा देता हूँ कि जी वो लॉगिन पेज, सही है, लॉगिन पेज मैंने लगा दिया। अच्छा, इस लॉगिन पेज में मुझे ये तमाम की तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं एक्जियोस, ये मुझे इस पे लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये एक्जियोस की स्क्रिप्ट मुझे इसके ऊपर भी लगानी पड़ेगी। HTML के अंदर मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हमें हर फाइल के अंदर ना पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट नए सिरे से लिखनी पड़ती है, ठीक है। रिएक्ट में जो है ना, हालांकि हम क्या कर सकते हैं, एक ही कंपोनेंट को रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, कि एक बार बना लिया उसको कहीं भी आप यूज़ करते रहो, तो इसमें रीयूजेबल वाला चक्कर नहीं है। जैसे क्रिएट पोस्ट का मैंने जो फंक्शन बनाया है ये मुझे वहाँ पर दोबारा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल फाइल भी बना देता हूँ इसकी, तो चलो क्रिएट पोस्ट और गेट ऑल पोस्ट का फंक्शन रीयूजेबल हो जाता है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइब्रेरीज हैं वो सारी मुझे अटैच करनी ही पड़ती हैं स्टिल हर फाइल, हर HTML की फाइल में। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, एक अदद फॉर्म मुझे चाहिए होगा लॉगिन का, ठीक है, लॉगिन का मैं यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है, ऑन सबमिट के ऊपर मैंने कहा कि लॉगिन चलेगा इसके, और इसमें भी दो ही होंगे, वो एक इसमें तो टाइटल नहीं होगा ना, इसमें वो होगा, ईमेल होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगा, सही है। तो ये मेरे पास एक आदत वो हो गया। अब मैंने करना ये है कि मैंने इस, अभी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश लॉगिन login.html, तो ये मेरे पास पेज चल जाता है, लेकिन मैं हाथ से थोड़ी लिख के आऊँगा, मुझे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा गेट ऑल पोस्ट वाले जो मेरा फंक्शन में, और जहाँ पे मैंने ये एग्जियोस की रिक्वेस्ट की हुई है exios.getAllPost, तो ये देन नहीं चलेगा इसमें, ठीक है, इसमें चलेगा कैच। अच्छा, ये मैंने ट्राई कैच में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने देन कैच लिखा है, ज़रा जो ज़रा पुराना सिंटैक्स है, लेकिन अगर हम ट्राई कैच में भी लिखते तो एक ही बात थी, ठीक है। जब भी एग्जियोस से हम रिक्वेस्ट करेंगे और अगर रिस्पॉन्स में कोई एरर आता है तो वो कैच में आके गिरता है मेरे पास। अच्छा, कैच के अंदर जो वो एरर है उसको मैंने क्या करा दिया, कंसोल यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है, console.log error.data। इसके अंदर ना मुझे वो कोड मिल रहा होता है 401 जो मैंने भेजा है ना वहाँ से, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा होता है। अच्छा, error.data जो है ना वो नहीं आ रहा, सिर्फ एरर को ज़रा मैं कॉन्सोल कराता हूँ और हम इसके डॉक्यूमेंट्स में से भी ये देख लेंगे। ये क्या सीन है यार, गेट ऑल पोस्ट है ना, सही तो है, सही। अच्छा, मैं अभी लॉगिन वाले पेज पे, नहीं सही कहा तुमने, मैं लॉगिन वाले पेज पे और मैं इसका एरर देखने के चक्कर में। अच्छा, ये मेरे पास देखो एग्जियोस का पूरा एरर मिल रहा है। अब इस एग्जियोस के एरर के अंदर जो है ना, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, ये इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है कि मैं जाता हूँ error.response और .data, तो मुझे देखो वो मैसेज मिल गया जो मैंने सर्वर से भेजा था, ठीक है। इसी तरीके से मुझे वो स्टेटस कोड मिल गया जो मैंने सर्वर से भेजा था, ठीक है, HTTP स्टेटस कोड भी मिल गया और स्टेटस का टेक्स्ट भी मिल गया, क्योंकि 401 का मतलब अनऑथराइज ही होता है कॉमनली, तो इसने यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में भी मुझे ये दे दिया है।
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ़ लगाऊंगा और इफ़ लगा के मैं बोलूँगा कि एग्जियोस का जो भी एरर है डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है अगर क्या हो जाए वो इक्वल्स टू हो जाए, ठीक है, इफ 401 के इक्वल हो जाए अगर ये, तो क्या कर दो आप नेविगेशन के लिए क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट मूव, हाँ विंडो डॉट लोकेशन, यस विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, ऐसे ही है, और स्लैश लॉगिन डॉट एच टी एम एल, राइट, ऐसे ही है, इक्वल्स टू होता है, देखो जैसे ही मैंने अब रिफ्रेश किया ना, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पे हिट करता हूँ तो इंडेक्स आता है थोड़ी देर के लिए लेकिन वो फ़ौरन चला जाता है, ठीक है, अगर मैं इसको सेट टाइम आउट करा के ज़रा डिले करा दूँ ना तो आपको बकायदा फिर दिखेगा वो मूव करता हुआ, ये सबको समझ आया ना कैसे हुआ ये, मैं सेट टाइम आउट करके उसको ज़रा सा डिले कर देता हूँ थोड़ा सा कि भाई जब वो कॉमा 1 सेकंड के लिए उसको मैंने डिले कर दिया, ठीक है, अब जब मैं इसको क्या करूँगा, देखो 1 सेकंड तक मुझे वो दिखा उसके बाद वो चेंज हुआ है, ठीक है, बहरहाल सेट टाइम आउट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है तो सेट टाइम आउट को मैं वापस से हटा देता हूँ, तो ये क्या हो गया कि कैच में बहुत सारे एरर्स आएंगे लेकिन मैंने कौन से एरर के ऊपर एक्शन लिया है, जब स्टेटस 401 होगा तो, ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक एग्जियोस के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर, एग्जियोस का इंटरसेप्टर होता है, ठीक है, लेकिन वो प्लेन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर वो ज़रा फिर हर फाइल में अलग अलग ही लगाना पड़ जाता है, तो हम जब इंशाल्लाह रिएक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें इंटरसेप्टर लगाएंगे, इंटरसेप्टर क्या चीज़ होती है ये समझ लो, लेकिन इंटरसेप्टर ये होता है कि जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है जो, ठीक है, ये मैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बैकएंड में भी ये काम कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, अब मैंने एक पेज खोला, ठीक है जी, sysblog.com करके मैंने ये खोला एक, अब उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट की ऐप जो चल रही है उस वेबसाइट के अंदर, उस ऐप से जितनी भी रिक्वेस्ट निकल के बाहर जा रही है, ठीक है, निकल के दूसरे मेरे ही सर्वर पे या किसी दूसरे सर्वर पे जा रही है उस फ्रंट एंड से, उन तमाम रिक्वेस्ट के लिए मैं एक बैरियर लगा देता हूँ कि भाई यहाँ से गुजर के जाएगी, अच्छा, और उस बैरियर के अंदर जब वहाँ से वो गुजर के जाएगी तो मैं उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट को मॉनिटर भी कर सकता हूँ, अच्छा, फिर इसी तरह ये जाने वाली रिक्वेस्ट और इसी तरह आने वाली रिक्वेस्ट भी, तो हर आने और जाने वाली इंटरनेट कॉल को HTTP रिक्वेस्ट को मैं इंटरसेप्टर के ज़रिए मॉनिटर कर सकता हूँ, मैं छोटा सा 2 लाइन 3 लाइन का कोड लिखता हूँ एग्जियोस में, एग्जियोस डॉट इंटरसेप्टर करके, और मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी API कॉल हो और उसका रिस्पांस आए जब, तो आपने उस इंटरसेप्टर में ही उसका देख लेना है कि स्टेटस कोड क्या है, अगर 401 है तो सीधा लॉग इन पर, ठीक है, तो आपका क्या होगा रिगार्डलेस कि कौन सी API कॉल हो रही है, हो सकता है कि चलते चलते ना पोस्ट बंदा एडिट कर रहा था डिलीट कर रहा था, एडिट करने तक तो सही था लॉगिन था वो जब तक, लेकिन जब वो डिलीट करने लगा ना तो टोकन इतनी देर में एक्सपायर हो गया, तो अब वो जब डिलीट का बटन हिट करेगा ना जैसे ही उठक लॉगिन के पेज पे जाके गिरेगा, क्योंकि डिलीट की API कॉल होगी, रिस्पॉन्स में आएगा 401, इंटरसेप्टर में वो पकड़ में आएगा और वो हो जाएगा, अच्छा इंटरसेप्टर अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे हर API कॉल के कैच में ये बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इंटरसेप्टर लगाने से ये हो, क्योंकि जाहिर है मेरी वेब एप्लीकेशन में मैं एक API थोड़ी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक पेज पे 10-10, 15-15 APIs लगी हुई होती हैं, ठीक है, कौन सा बटन क्लिक करेंगे तो ये API कॉल हो जाएगी, तो वो तमाम APIs के अंदर मैं हर के अंदर जाके कैच में एक एक करके मैं ये इफ़ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इवन रिएक्ट में भी ये काम नहीं करूंगा मैं, हालांकि वो फ्रेमवर्क है उसमें बड़ी आसानी है इन चीज़ों को लेके, लेकिन उसमें भी मैं ये काम हाथ से नहीं करूंगा, मैं इंटरसेप्टर में ये बात लिख दूंगा कि कोई भी API कॉल हो उसके रिस्पॉन्स में जो स्टेटस कोड है उसमें 401 अगर हुआ तो आपने फ़ौरन क्या कर देना पेज को चेंज करा देना, तो ये मैं क्या हो गया, मैं जब तक लॉगिन यहाँ से वो नहीं कर देता जब तक ये क्या होगा
क्या कहते हैं, मुझे लॉगिन के पेज से ही आगे कहीं और जाने नहीं देगा। सर बस मैं 5 मिनट में आपको टाइम देता हूँ। अच्छा मैं लॉगिन के पेज पे आ गया, अब जल्दी से क्या कर लेता हूँ, मेरे पास ये सही है, मैंने इसको कह दिया ईमेल इनपुट है, ये टाइप इसकी मैंने कर दी ईमेल, और इसको मैंने कर दिया कि जी रिक्वायर्ड भी है ये, और साथ में प्लेस होल्डर क्या लगा दिया, प्लेस होल्डर की वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, जब ईमेल ही लिखना है बंदा ने तो प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जी पासवर्ड इनपुट, और इसमें भी मुझे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मेरे पास आ गया। सबमिट का बटन दबाने पे लॉगिन का एक फंक्शन कॉल होगा, और लॉगिन का फंक्शन जब कॉल होगा तो मैं क्या कर दूंगा, टाइप मॉड्यूल लगा दूंगा इसमें। अच्छा, और इस तरह करके मुनासिब नहीं होता फंक्शन कॉल करना, ये हमने बहुत पहले लिखा था तो इसलिए इस तरह था। इसको आइडियल केस क्या होगा कि मैं आईडी दूंगा, लॉगिन फॉर्म ऐसे लिखूंगा, और नीचे आके मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लॉगिन फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर और सबमिट, ठीक है। सबमिट के ऊपर इवेंट लिस्नर लग गया, यहाँ पे मैंने ले लिया इवेंट, और मैंने कहा कि इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, प्रीवेंट डिफॉल्ट से क्या होगा, डिफॉल्ट बिहेवियर इसका रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने const email equals to document dot query selector email input, और इसी तरीके से password के लिए password input, और इन दोनों को लगा के मैं क्या करूँगा, exhaust dot post की एक API call करूँगा, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश लॉगिन, और कॉमा डाल के मैं उसको ऑब्जेक्ट दूंगा जिसमें ईमेल दूंगा मैं, और डॉट मेन्यू क्या, हाँ डॉट वैल्यू नहीं लगाया मैंने यहाँ, सही है। ये मैंने हिट कर दिया, और ये हिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एसिंक का वेट वाला कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हमने डॉट देन लगाया था ना, लेकिन अब तो हमने वो पढ़ लिया है एसिंक का वेट वाला, तो मैं बोलूँगा कि const response equals to await, ये ठीक है, await पे एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एसिंक नहीं है, तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है, इसको मैं एसिंक बना दूँगा, ठीक है। एसिंक बना दिया इसको मैंने, अब क्या होगा यहाँ पे मुझे इसको ट्राई कैच देना पड़ेगा, तो मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, ठीक है, ट्राई कैच लगा दिया मैंने। अच्छा ट्राई कैच में अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉक करके ना इस एरर को कॉन्सोल करा देता हूँ, दैट्स इट। अभी मैं कैच के अंदर कोई ख़ास काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये जैसे ही ट्राई मेरा कंप्लीट होता है और मुझे क्या मिल जाता है, चलो इसको भी तो मुझे कॉन्सोल कराना है ना रिस्पॉन्स को, और अगर मुझे रिस्पॉन्स का स्टेटस अगर 200 मिलेगा जब ही ये इधर रहेगा, अगर 200 के अलावा कोई भी स्टेटस आया ना तो ये कैच में चला जाता है, ठीक है। मतलब जो सक्सेसफुल है ना वो 200 से लेके 299 तक जो है वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें ये इधर रहेगा, अदरवाइज 400 401 500 वो सब में क्या करेगा, कैच में जाके गिरेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियरली इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट नेविगेट करा सकता हूँ, लेकिन एहतियातन मैं क्या करूँगा, एक इफ लगा लूँगा मैं, ठीक है। और एक इफ लगा के मैं बोलूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स इक्वल्स है 200 के, तो क्या कर दो, दोबारा से जो मेरा एच रेफ वाला काम था ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इंडेक्स डॉट html पे मूव करा दो उसको, ठीक है। आते हैं जी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और क्या रखा था मैंने ईमेल पासवर्ड, याद है, पोस्टमैन में आ रहा होगा वो,
लॉग इन, ये आ गया मेरा लॉग इन ना, abc@abc और abc123। इससे यहाँ से ज़रा लॉग इन करते हैं। हाँ है? सर्वर एरर। अच्छा वो मैंने कोई कोड में कोई गड़बड़ की है, मैंने सर्वर में गया मैं और ऑथ में गया, मैंने कोड में कोई गड़बड़ की हुई है। वो कह रहा है कि 2 सेकंड, नहीं वो असल में लाइब्रेरी मैंने बनाई थी ना जब बचपन में बनाई थी, तो उस वक्त मेरी स्पेलिंग्स बड़ी वो थी, अब वो मैंने लिख दी है वही। तो अब हाँ ये कह रहा है ये चीज़ ना मुझे मिल नहीं रही है एक्सपायर्स, तो ये एक्सपायर्स हटा देते हैं हम, कुकी जो फ्रंट एंड के ऊपर मुझे कुकीज़ को वैसे भी एक्सपायर नहीं कराना, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है, मैं कराऊँ ना कराऊँ एक ही बात है। ठीक है, ये फ्रंट एंड के ऊपर जो मैंने डेट डाली हुई है ना एक्सपायरी की, तो वो कह रहा है कि वो तो है ही नहीं, ऊपर एक वेरिएबल बनाया था मैंने वो हटा दिया था बाद में, इसलिए वो मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा अब आता हूँ मैं वापस, और क्या कर रहा था मैं, यहाँ से लॉगिन हिट कर रहा था ना। ठीक है जी, लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ से हो रहा है, तो मैं यही वाला ईमेल और यही वाला पासवर्ड यहाँ पे भी लगा देता हूँ, abc@abc.com और abc123। ठीक है, मैंने API हिट की और उसका रिस्पॉन्स यहाँ देखो 200 प्रिंट हो गया। ये कहाँ से प्रिंट हुआ है, ये जो मैंने इधर प्रिंट करवाया हुआ है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये मेरे पास इधर प्रिंट हो गया। ठीक है, और जैसे कि ये प्रिंट हो गया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये इधर रिडायरेक्ट हो गया, किस वजह से, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये वाली लाइन, इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये इस पेज पर आया तो इस पेज पे आने की वजह से क्या हुआ, इस पेज की जो जावास्क्रिप्ट थी वो रन हुई, और इस पेज की जो जावास्क्रिप्ट थी उसमें क्या बात लिखी हुई थी, गेट ऑल पोस्ट लिखा हुआ था, तो वो गेट ऑल पोस्ट हुआ, तो वो API अब की बार क्या हो गई है, सक्सेसफुली वो पोस्ट गेट करके ले आया है। अच्छा हालांकि उसको लाना नहीं चाहिए था, सही है, लाना इसलिए नहीं चाहिए था इसको क्योंकि मैंने तो रखवाया है वो HTTPS वाले में, तो वो जब तक क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लिखता वो जाता नहीं है उधर, लेकिन ये पता नहीं क्यों चला गया। ठीक है आओ ज़रा देखते हैं, जो मेरे पास ये लॉगिन से मैंने उधर रिडायरेक्ट तो करा दिया। अच्छा अगर मैं इसको मज़ीद रिफ्रेश करूँ अब तो यही चल रहा है, हालांकि उसको चलना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं index.html में आके यहाँ पे जो मेरे पास एक्जियोस है ना, ये exios.get है, जो इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, एक ऑप्शंस पास करूँगा। ठीक है, और इसमें मैं लिखूँगा with credentials true लिखूँगा मैं। ठीक है, तो अब ये मैंने बात की है कि भाई जितने भी HTTPS वाली कुकीज़ है ना वो आप क्या करो अपने साथ लेके जाओ। ठीक है, अभी भी सही चल रहा है ये, आई एम नॉट श्योर, शायद उन्होंने वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी हो ब्राउज़र ने, लेकिन ये है कि वो आपने स्टिल लिखना है। अच्छा ये कुकीज़ को जो स्टोर करता है वो यहाँ पे एप्लीकेशंस में कर रहा होता है, यहाँ पे आके मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कुकी देखो यहाँ पे स्टोर हुआ है, और इसके साथ ये पूरी इसने बात भी बताई हुई है कि ये कुकी ना किस किस्म का कुकी है। ठीक है, अरे एक्सपायर, ये सेशन एक्सपायरी कर दी इसने, मैंने वहाँ पे वो डेट नहीं लिखी तो इसने जो है ना एक्सपायरी इसकी कर दी सेशन, मतलब उसको ज़ीरो कंसिडर कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब है वो डेट में हटा नहीं सकता जो फ्रंट एंड से। ठीक है, HTTP ओनली पे देखो चेक लगा हुआ आ रहा है ना, ये लगा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ये अगर लगा हुआ नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे मेरा टोकन क्या हो गया, बना हुआ आना शुरू हो गया है यहाँ पे मेरे पास। अच्छा अब क्या होगा कि जब तक मैं ये टोकन मेरे पास रहेगा इधर, मैं इसको रिफ्रेश करता रहूँगा, देखो API कॉल सही चलती रहेगी। जैसे ही मैं यहाँ से आगे इस टोकन को डिलीट कर दूंगा, अगर ये मैंने इसमें हाथ से डिलीट किया, आमतौर पर इसको हाथ से डिलीट नहीं करते, ये खुद ही एक्सपायर होता है क्योंकि ये टोकन मैंने इशू किया 24 घंटे का, तो ये ऑटोमेटिकली 24 घंटे बाद जब जाएगा सर्वर पे ना तो ये रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने फिलहाल इसको हाथ से डिलीट किया, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये खुद लॉगिन पेज पे आ गया, क्योंकि ये क्या हुआ, जैसे ही रिफ्रेश हुआ API दोबारा हिट हुई, उसका रिस्पॉन्स आया 401 और उसने लॉगिन पे लाके फेंक दिया मुझे। सही है, तो ये मैंने क्या कर लिया, इस लॉगिन की API को अपने फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा साइनअप की API में तो कुछ है नहीं, तो एक फॉर्म ही है जस्ट। ठीक है, असल तो था लॉगिन का गेम, तो ये लॉगिन मैंने फ्रंट एंड से क्या कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, कुकीज़ में कैसे स्टोर हुआ आके और यहाँ से वापस सर्वर पे कैसे गया, ये आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं अभी, अब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे रिएक्ट।